नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोच सक्सेस यूपीएससी में। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 2018 के करंट अफेयर्स बताने जा रहा हूँ, कंप्लीट फ्रॉम नवंबर 2017 से लेकर जुलाई 2018 तक के लिए। इसमें लगभग सारे जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं, दृष्टि, घटना, चक्र, प्रतियोगिता, दर्पण और अरिहंत, मैं हर पार्ट में जो है धीरे धीरे करके कंप्लीट जितने भी 8-9 महीने के हैं उसमें करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दूंगा। हो सकता है ये 8 से 10 पार्ट में कंप्लीट होगा, ठीक है। हर पार्ट में लगभग 1 महीने या जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2-3 महीनों का, उसको लेकर इंक्लूड किया है मैंने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, इसे रिवीजन के तौर पे बहुत ज़रूरी है इसके लिए पढ़ना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला इसमें आता है कि 12 मार्च 2018 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े 75 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया, कहाँ पर किया था? विजयपुर, जो ग्राम है मिर्जापुर में, वहाँ पर किया था, ठीक है, इस चीज़ को देखिएगा। 3 मार्च 2018 को भारत की पहली हेलीकॉप्टर शटल सेवा हेली टैक्सी शुरू की गई थी बेंगलुरु कर्नाटका में। इस समय लेटेस्ट जो है स्टार्ट की गई है और भी आपकी हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हो चुकी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जो है छोटे दस्तकारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु संत गुरु रविदास सहायता योजना जो है किस सरकार द्वारा शुरू की गई? हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2018 को परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? महाराष्ट्र को, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ है, महिलाओं हेतु शक्ति मोबाइल ऐप सेवा शुरू की गई हिमाचल प्रदेश द्वारा, ठीक है। देखिए, जिसमें जो हाईलाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बीच बीच में जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। हाल ही महात्मा गांधी सरबत विकास योजना शुरुआत की पंजाब द्वारा, ठीक है, और यूपी का तो खास तौर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो यूपी पीसीएस के लिए। एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त, 22वें जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन नियुक्त किए गए? ओम प्रकाश रावत चुने हैं, ठीक है। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? आपकी अभिनेत्री काजोल, ठीक है। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, पहली बार 24x7 यानी 24 घंटे 7 हफ्ते ऑनलाइन स्पोर्ट्स रेडियो चैनल का शुभारंभ किया गया भारत द्वारा, ठीक है। ये चीज़ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की थी, ठीक है, दिल्ली सरकार ने शुरू की थी। 8 से 11 मार्च 2018 मध्य नागरिक विमानन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन विंग्स इंडिया 2018 आयोजित किया गया था हैदराबाद में, ठीक है। विंग्स इंडिया 2018 में विमान सेवा की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम RCS के अंतर्गत सर्वाधिक सक्रिय राज्य सरकार का अवार्ड किसको मिला? उत्तर प्रदेश को, याद रखिएगा। विंग्स इंडिया 2018 में जो उत्तर प्रदेश था उसको जो है सर्वाधिक सक्रिय राज्य सरकार का अवार्ड मिला था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, 1 मार्च 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण यानी NFRA की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। यह क्या है? एक तरह से एक स्वतंत्र विनियामक होगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ को समझिए। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जापानीज इंसेफलाइटिस की रोकथाम करने के उपचार करने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया अभियान क्या? दस्तक अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दस्तक अभियान जो है जो जापानीज इंसेफलाइटिस से बच्चे जो गोरखपुर में जो मरते हैं, जापानीज इंसेफलाइटिस एक प्रकार का वायरस है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करता है, उसकी वजह से जो होता है जो बच्चे एक्सपायर कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से दस्तक अभियान चलाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क विकसित किया गया नई दिल्ली में, स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क नई दिल्ली में शुरू किया गया। शौर शहरों के विकास योजना के अंतर्गत चुने गए शहरों की संख्या 60 है, शौर शहर जो शहरों के विकास योजना के अंतर्गत चुने गए शहरों की संख्या 60 है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 2018 के भागीदार देश में कौन कौन थे? टोटल 7 देश इसमें शामिल हुए थे, इसमें नीदरलैंड जापान स्लोवाकिया चेक गणराज्य फिनलैंड मॉरिशस थाईलैंड, याद रखिएगा, नीदरलैंड जापान स्लोवाकिया चेक गणराज्य फिनलैंड मॉरिशस और थाईलैंड, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विस्तार कहाँ कहाँ होगा? तो आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, याद रखिएगा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट तक, ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। रेलवे कारखाना जो है स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है, किस जगह पे मतलब की गई है इन्वेस्टर समिट के दौरान? तो अब फतेहपुर और झांसी में, ठीक है। रेल मंत्री द्वारा हेरिटेज ट्रेन चलाए जाने की घोषणा, दुधवा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट वन्य बीन अभयारण्य के बीच। देखिए यूपी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। रेल मंत्री द्वारा हेरिटेज जो ट्रेन चलाई जाएगी, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, यूपी में जो हेरिटेज ट्रेन चलाई जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो दुधवा नेशनल पार्क और कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य के बीच में, ठीक है, सिंपल है। उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 प्रख्यापित करते हुए पर्यटन का दर्जा दिया गया उद्योग को, पर्यटन को दर्जा दिया गया उद्योग का, ठीक है। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसका क्या नाम है? निवेश मित्र, याद रखिएगा। 15 से 17 फरवरी 2018 के दौरान ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी की भारत की यात्रा के दौरान लगभग 9 MU सामग्री, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु दर, इम्पोर्टेंट है, मातृत्व मृत्यु दर कहाँ होती है? असम में 300 से अधिक। देश में मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? 167। देखिए अंतर देखिए, कंप्लीट देश में, पूरे देश में मातृत्व जो मृत्यु दर है वो 167 है, जबकि जो आपके असम में 300 जो है वो मातृत्व मृत्यु दर है, ठीक है। देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई थी, जो कि जारी की गई थी जो है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पड़ेगा इसको। 9 फरवरी 2018 को नीति आयोग ने एक व्यापक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसको कहते हैं स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नामक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन, दो चीज़ें हैं याद रखिए, एक होता है प्रदर्शन और एक है आपका वार्षिक वृद्धिमान कौन कौन से हैं, तो दो चीज़ें इसमें टॉपिक बनेंगे। पहले बड़े राज्यों में किसने समग्र प्रदर्शन किया है, या किसकी वार्षिक वृद्धि अच्छी रही, वार्षिक वृद्धि प्रदर्शन अच्छी रही, या और या तो छोटे राज्यों में समग्र प्रदर्शन और वार्षिक वृद्धि दोनों के अलग अलग रैंक निकाली गई थी। तो स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नामक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहे आपके केरला शीर्ष स्थान पर, उसके बाद सेकेंड और थर्ड नंबर पर पंजाब और तमिलनाडु रहे, और वार्षिक वृद्धिमान में जो शीर्ष जो बड़े राज्य थे उसमें झारखंड, जम्मू कश्मीर और यूपी भी आ गया तीसरे नंबर पे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, पूछ सकता है कि स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत जो सूचकांक है उसमें यूपी की कौन सी रैंक है, तो थर्ड रैंक है, और बेसिकली यूपी किस उसमें दिया गया है, तो वार्षिक वृद्धिमान प्रदर्शन के दर पर, ठीक है। और अब समग्र प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो समग्र प्रदर्शन में आपके छोटे राज्य किसी स्थान पर, मिजोरम है, मणिपुर दूसरे स्थान पर है, जबकि वार्षिक वृद्धिमान प्रदर्शन के हिसाब से मणिपुर जो है वो छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है, गोवा दूसरे स्थान पर है। समग्र प्रदर्शन के साथ ही वार्षिक वृद्धिमान प्रदर्शन के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान लक्षद्वीप में हासिल किया, लक्षद्वीप में जो है आपके हासिल किया, ठीक है। अब बात करते हैं UIDAI फेस ऑथेंटिकेट चेहरे की पहचान तकनीकी के माध्यम आधार कार्ड धारक की पहचान सुनिश्चित करने का फैसला 1 जुलाई 2018 को हुआ। उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकर नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन द्वितीय संशोधन नियमावली 2017 के माध्यम से मूल नियमावली 2009 के नियम 281 में श्रमिकों के अंशदानों की अवधि को 5 वर्ष घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 जारी की गई 1 जनवरी 2018 को। देखिए उत्तर प्रदेश जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जो नीति के तहत 2017 के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन जिसको घोषित किया गया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे को, ठीक है, इसको क्या मैन्युफैक्चरिंग जोन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन है ये, क्वेश्चन इसे पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन कौन कौन से यूपी में, तो आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे याद रखिएगा, ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। 5 जनवरी 2018 को उच्च शिक्षा पर 8वां अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2017 जारी किया गया, इसके अनुसार राज्य सकल नामांकन अनुपात इसी स्थान पर तमिलनाडु रहा, ठीक है, तमिलनाडु। एक चीज़ याद रखें, सक्षम एक चीज़ है, सक्षम यानी संरक्षण क्षमता महोत्सव 2018 का सिरी फोर्ड ऑडिटोरियम में नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ 16 जनवरी 2018 को। सक्षम क्या चीज़ है? पेट्रोलियम तथा एवं प्राकृतिक मंत्रालय के तत्वाधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ की वार्षिक गतिविधि है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ
की वार्षिक गतिविधि है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा देश भर में साइकिल दिवस के रूप में मनाने जाने योजना बनाई गई। 21 जनवरी को साइकिल दिवस के रूप में मनाएंगे। 12 जनवरी 2018 को विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी रेडिसन फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्शन रिपोर्ट, रेडिनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्शन रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? 30वां स्थान है, ठीक है। रेडिसन फॉर रेडिनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्शन, विश्व आर्थिक मंच ने रिपोर्ट जारी किया, 30वां स्थान था भारत का, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत देश की पहली एयर डिस्पेंसरी खोली जा रही है, कहाँ पर? इम्फाल मणिपुर तथा शिलोंग मेघालय में पहली एयर डिस्पेंसरी खोली जा रही है इम्फाल मणिपुर तथा शिलोंग मेघालय में, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं महेसरा सेतु जोड़ता है सोनौली से नेपाल को। पल्स पोलियो कार्यक्रम 2018 के तहत पल्स पोलियो खुराक दी जाने वाले बच्चों की संख्या 17 करोड़ से अधिक है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता PMRF जो है योजना हेतु आवंटित 1650 करोड़। इसमें बेसिकली क्या है, जो आपके बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग या एमटेक बीटेक वाले जो होते हैं उनको एक रिसर्च स्कॉलरशिप दिया जाएगा, रिसर्च फेलोशिप दिया होगा, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इसका फुल फॉर्म है PMRF का। इसमें बेसिकली जो है आपको उन लोगों को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी जो बहुत अच्छे काबिल होते हैं, उनको सालाना जो है 75,000 से लेकर 80,000 तक, सालाना क्या मंथली जो है ये दी जाएगी आपको, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ऑपरेशन ग्रीन क्या है। ऑपरेशन ग्रीन बेसिकली जो PTO यानी पोटैटो टोमेटो ओनियन, ठीक है, उनकी कीमतों में जो अचानक से उछाल आता है 7 वर्ष उस उछाल आता है उसको कंट्रोल करने के लिए 7 वर्षों के लिए अस्थिरता की समस्या को निपटने हेतु इसका किया गया है। स्त्री स्वाभिमान पहल प्रारंभ करने वाला मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। भावांतर भरपाई योजना है हरियाणा सरकार की, भावांतर भरपाई। द ग्रेट इंडिया ब्लॉक ट्रेन नामक सोशल मीडिया अभियान शुभारंभ किया गया सफदरगंज रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से, ठीक है। 4 से 10 फरवरी 2018 के मध्य 11 देशों के संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधियों की यात्रा संपन्न की भारत निर्वाचन आयोग की, 11 देशों के संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधियों ने यात्रा संपन्न की भारत निर्वाचन आयोग की, ठीक है। दिशारी ऐप लॉन्च किया राजस्थान ने, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके तहत माँ बनने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, सुरोगेसी, ठीक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है। और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक आंकड़ों के अनुसार सबसे गरीब मुख्यमंत्री माणिक सरकार, तात्कालिक मुख्यमंत्री जो है त्रिपुरा के। सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और सबसे जो गरीब मुख्यमंत्री हैं उन मणिपुर सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री। कौन जारी करता है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ग्रीन इंडिया मिशन जो है वर्ष का लक्ष्य कब तक है, अवधि क्या है? 2021 से 2030 तक का, ठीक है। उत्तर प्रदेश निवेश जो सम्मेलन में कंट्री पार्टनर के रूप में चिन्हित देश हैं 7, अभी बताया ना सबसे पहले जो बताया था, फिनलैंड, नीदरलैंड, जापान, चेक गणराज्य, थाईलैंड, स्लोवाकिया और मॉरिशस, ठीक है। राष्ट्रीय शहरी आवास कोष NUHF आवंटित राशि 60,000 करोड़। महानदी जल विवाद का संबंधित कौन कौन राज्य? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 21 से 22 फरवरी 2018 के मध्य संस्कृति महोत्सव स्वच्छाग्रह बापू को कार्यांजलि का आयोजन किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे देखते हैं हम 19 से 21 फरवरी 2018 के मध्य वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 22वें संस्करण का आयोजन किया गया हैदराबाद में। देखो पहली बार VVPAT मशीन का उपयोग कहाँ किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें मार्क नहीं किया मैंने, बट पहली बार VVPAT का मशीन त्रिपुरा विधानसभा में पहली बार प्रयोग किया गया, त्रिपुरा विधानसभा में पहली बार। VVPAT का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। 17 फरवरी से 8 अप्रैल 2018 के मध्य 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक्स का आयोजन किया जा रहा है लाल किला नई दिल्ली में। 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक्स का उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया था। ओलंपिक्स की थीम क्या है? मैत्री का ध्वज, यानी
मैत्री का ध्वज द एक तरह से कह सकते हैं कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, द फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप। तो इसमें सबसे पहली बार कब शुरू किया गया था, ये ग्रीस में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ओलंपिक जो सबसे पहली बार शुरू किए गए थे वो ग्रीस में शुरू किए गए थे। ये इम्पोर्टेंट है, याद है, विश्व सतत विकास सम्मेलन, ठीक है, विश्व सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन जो हुआ था, पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलियंट प्लानट, पार्टनरशिप फॉर द रेजिलियंट प्लानट, विश्व सतत विकास समय 2018 की मुख्य थीम ये है। गोवर्धन योजना, व्हाट इज गोवर्धन योजना, गोवर्धन जो योजना है, गोवर्धन योजना वो क्या है, GOBAR यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस, ठीक है, धन योजना, किसानों को अपशिष्ट से ईंधन और धन प्राप्त करने से, देखो किसानों को अपशिष्ट से ईंधन और धन प्राप्त करने से इस गोवर्धन योजना है, ठीक है। गोवर्धन योजना की शुरुआत करने वाला राज्य हरियाणा है, ठीक है, सिंपल से पॉइंट है, हरियाणा सबसे पहले स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, दलित शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगाने वाला उच्च न्यायालय कौन है, दलित शब्द का प्रयोग पर पाबंदी लगाने वाले उच्च न्यायालय, हाई ये आपका है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो उसने पाबंदी लगा दी, दलित नहीं बोल सकते आप। आगे देखते हैं, देखिए मिशन बुनियाद जो है, मिशन बुनियाद जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शुरुआत करने वाला राज्य और केंद्र शासित राज्य कौन सा, दिल्ली है। सभी सहकारी और नगर पालिकाओं के स्कूलों में शुरू किए गए मिशन बुनियाद के तहत लक्षित किया गया है कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों को, ठीक है। मिशन बुनियाद परिवर्तन योजना प्रारंभ करने वाला राज्य हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा है। नीति आयोग द्वारा जारी जो स्वास्थ्य सूचकांक है, स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, देखिए नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक 2018 आंकड़ों में पहला जो स्थान प्राप्त किया है वो केरला, ठीक है। सौर शहरों का विकास योजना के तहत शामिल शहर 60 हैं। 100% सौर ऊर्जा वाला संचालित पहला संघ शासित राज्य कौन सा है, दमनदीप। 8 मार्च 2018 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का विस्तार किया गया सभी 640 जिलों तक, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत में राष्ट्रीय ई मोबिलिटी कार्यक्रम का शुभारंभ 7 मार्च 2018 को, 7 मार्च 2018 को हुआ, भारत में राष्ट्रीय ई मोबिलिटी कार्यक्रम का शुभारंभ 7 मार्च 2018 को, ठीक है। 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ किया झुंझुनू राजस्थान में, राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ झुंझुनू राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा। 8 मार्च 2018 को ही, 8 मार्च जो है महिला दिवस के रूप में है, याद रखिएगा। 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री जो है जन औषधि परियोजना के तहत ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन का शुभारंभ किया, सुविधा, ठीक है, सुविधा। नवंबर 2017 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी कि ने आपका जो नेशनल न्यूट्रिएंट जो मिशन था का कार्यान्वयन किया गया वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक, ठीक है। इसकी लागत क्या, 3 वर्षों की, लगभग 9,046.17 करोड़ रुपए, ठीक है। वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत आच्छादित जिलों की संख्या 315 जिले, 315 235 जिले, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार 2017 के संचालन अवधि में भारत सरकार के आकलन के अनुसार कुल गृह संयोजित सौर ऊर्जा की स्थापना लक्षित है 10,700 मेगावाट, इम्पोर्टेंट नहीं उतना, ठीक है। अब बात करते हैं, अक्टूबर 2017 में यूनेस्को के रचनात्मक शहर UCCN में शामिल किए गए 44 देशों में 64 शहरों में शामिल भारतीय जो शहर हैं उसमें कौन कौन से हैं, देखिए चेन्नई है एक तो तीसरा भारतीय शहर, पहले 2 जयपुर और वाराणसी थे, ठीक है। किसको शामिल किया गया है, 44 देशों में 64 शहरों में शामिल जो भारतीय शहर वो चेन्नई है। अब तक यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल कुल शहर 180 है 72 देशों के। संकल्प योजना क्या है, आजीविका संवर्ध संकल्प और स्ट्राइव दो योजनाएं थी बेसिकली, दोनों जो है आप याद रखिएगा, दोनों एक तरह से आपका कौशल अभिग्रहण यानी कि जो आपने कौशल विकास योजना के तहत जो शुरू किया था वही है, आजीविका संवर्धन हेतु, ठीक है, आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अभिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता, ठीक है, ये हो गया आपका संकल्प, ठीक है। और उसके बाद स्ट्राइव जो है आपका औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण, एक तरह से कौशल विकास की दोनों योजनाएं हैं संकल्प और स्ट्राइव, याद रखिएगा। एक में आप जागरूकता करते, एक में सशक्तिकरण, ठीक, ज्ञान और जागरूकता, कौशल अभिग्रहण करेंगे और कौशल सशक्तिकरण करेंगे, एक आपको कौशल को ग्रहण करना और कौशल को सशक्तिकरण करना, दो तरीके समझिएगा आप।
संकल्प में आप कौशल ग्रहण करते हैं और स्ट्राइव में कौशल सशक्तिकरण होता है। भारत में अपराध 2016 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो IPC क्राइम के संबंध में वर्ष 2016 में सर्वाधिक मामले दर्ज किए हैं, उत्तर प्रदेश में 9.5%, शहरों में कुल IPC अपराध सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं दिल्ली में, ठीक है। अगर शहरों की बात करें, प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 9.5, और अगर अगर प्रदेश की बात करेंगे उत्तर प्रदेश, और शहरों की बात करेंगे तो दिल्ली, ठीक है। महिलाओं के प्रति अपराध 2015 की अपेक्षा वृद्धि हुई लगभग 2.9%, ठीक है। एक चीज़ और इसमें जोड़ लीजिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हत्याएं होती हैं वो आपके MP में होती हैं। चीन के विकास अनुसंधान परिषद DRC द्वारा भारत के नीति आयोग के बीच तृतीय संवाद हुआ बीजिंग में 5 दिसंबर 2017 को। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश भर में TB की समाप्ति, इसके पहचान, निदान, इलाज हेतु 15 दिवसीय अभियान, डोर टू डोर अभियान स्टार्ट किया दिसंबर 2017 में, ठीक है। सुरक्षित शहर निगरानी योजना बिहार सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन या नाम जिसको बोलते थे, योजना का विस्तार किया गया 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। इस चीज़ को हो गया आपका। आयुष मिशन का शुभारंभ कब किया गया था, सितंबर 2014 किया गया था। ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना स्थित है मिजोरम में, ठीक है। उत्तर प्रदेश नागरिक नगरी निकाय चुनाव 2017 निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के महापौर 14 हैं। एक बार ART इलाज अपनाने के बाद इलाज छोड़ देने वाले HIV संक्रमित लोगों के संपर्क स्थापित करने हेतु प्रारंभ जो मिशन है वो संपर्क मिशन है, ठीक है। HIV एड्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पर जारी राष्ट्रीय कार्यकारी योजना 2017 से 2024 उद्देश्य माता से शिशु को HIV के और सिफिलिस के संचरण को समाप्त करने के लिए HIV एड्स से संबंधित भेदभाव समाप्त करना वर्ष 2020 तक का लक्ष्य है। वर्ष 2017 में HIV एड्स संक्रमित लोगों की अनुमानित जो सर्वाधिक संख्या हुई आंध्र प्रदेश तेलंगाना संयुक्त रूप से, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय रेल परिवहन विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 44वां भारत जानो कार्यक्रम, भारत जानो कार्यक्रम क्या है, भारतीय मूल के 18 से 30 वर्ष के आयु के वर्ग के छात्रों एवं युवा व्यवसायियों को उनकी मातृभूमि से जोड़ने हेतु, भारत के विरासत एवं संस्कृति से परिचित कराने हेतु के उद्देश्य से भारत सरकार की पहल है, ठीक है। भारत जानो कार्यक्रम 44वां भारत जानो कार्यक्रम आयोजित हुआ 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर 2017 तक। प्रधानमंत्री LPG पंचायत का शुभारंभ मोटा ईशानपुर गांव गांधी नगर गुजरात में 23 सितंबर 2017 को। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के निर्धन परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य प्रारंभ क्या किया गया है, निशुल्क बिजली उत्पादन दिया जाएगा। प्रकाश है तो विकास है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाश है तो विकास योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2017 को मथुरा जिले में किया गया था। सरदार सरोवर बांध परियोजना जल विद्युत क्षमता कितनी है, 1450 मेगावाट। सरदार सरोवर बांध परियोजना उत्पादित कुल विद्युत में सर्वाधिक हिस्सा महाराष्ट्र का है, 57% लगभग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में भारतीय जनता पार्टी की 44 सीट, इम्पोर्टेंट नहीं है इसको, इतना इम्पोर्टेंट। 37वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भागीदार देश क्रमशः वियतनाम, झारखंड, इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वैश्विक वन्य जीव कार्यक्रम के उद्घाटन दिवस पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की भागीदारी में प्रारंभ परियोजना है सिक्योर हिमालय, ठीक है। डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने वाले प्रारंभ किए जो दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को हुई थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सारे। अब अगला देखते हैं, कब रफ्तार जो है आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं संबंध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण का कार्यान्वयन किया जाएगा। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्षों की अवधि हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार योजना एक वित्तीय आवंटन कितना होगा, 15,722 करोड़। कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की साझेदारी वाली नई पहल साथी, ठीक है। आगे देखते हैं, रो रो फेरी सेवा से जुड़ने वाले गुजरात के जिले हैं भावनगर एवं भरूच। भावनगर रो रो फेरी से जुड़ने वाले भावनगर एवं भरूच। भारत का जो पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो आयुर्वेद संस्थान है स्थापित किया जा रहा है नई दिल्ली में। भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए जो है प्रधानमंत्री सह सौभाग्य योजना चलाई जा रही है, सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। 25 सितंबर 2017 को शुभारंभ हुआ था, इसमें लगभग गैर विद्युतीकरण घरों की संख्या 3 करोड़, ठीक है,
जिसमें 2.5 करोड़ ग्रामीण और 50 लाख शहरी हैं। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत आच्छादित ग्रामीणों क्षेत्रों में गरीब रेखा से नीचे स्थित परिवारों की संख्या लगभग 1 करोड़ है। ठीक है, मातृ वंदना योजना कार्यान्वित की जा रही है सभी जिलों में फ्रॉम 1 जनवरी 2017 से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं या माताओं के परिवार के पहले जीवित बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली नगद प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण रणनीति जारी की गई है 5 सितंबर 2017 को। राष्ट्रीय पोषण रणनीति का लक्ष्य सभी प्रकार के अल्प पोषण को कम करना है वर्ष 2030 तक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना शुभारंभ 22 सितंबर 2017 हुआ था। कार्गो संचरण की परिमाण के संबंध में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है का परिवर्तित नाम दीनदयाल बंदरगाह हो गया है, कांडला जो गुजरात में है। ठीक है, भारतीय पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ परियोजना है एडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना 27 सितंबर 2017 को। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक रिपोर्ट थी यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2017 में भारत का स्थान 40वां है। ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में शामिल होने वाले शहरों की संख्या 4041। ठीक है, 4041। सबसे स्वच्छ और सबसे अच्छा शहर कौन सा, इंदौर और गोंडा उत्तर प्रदेश। ये बेसिकली देखिए 2017 का 2018 का भी आ चुका है जिसमें भी सबसे स्वच्छ शहर जो है आपका मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, सब मध्य प्रदेश ही सबसे, वही मध्य प्रदेश में इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर आया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं जून 2017 में छत्तीसगढ़ राज्य सुकुमा जिले में सुरक्षा बलों प्रारंभ। अब तक सबसे बड़ा नक्सल विरोधी जो अभियान चला था वो कौन सा था, प्रहार था, प्रहार था। कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना पीछे तक नहीं जा सकता वो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त भारत वैदिक संपदा प्रौद्योगिकी नवाचार सहायता केंद्र स्थापित किया गया पंजाब में। भारत छोड़ो आंदोलन 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा किया गया नारा क्या, करेंगे और करके रहेंगे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत की स्थिति प्राप्त 2019 तक लक्ष्य रखा गया है। ये दरवाजा तोड़ो अभियान ये सब पुराने होंगे, दरवाजा बंद अभियान जो अमिताभ बच्चन अनुष्का शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई को प्रारंभ की गई थी। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति 14वें हैं, वेंकैया नायडू जो हैं 13वें राष्ट्रपति हैं, कार्यकाल के अनुसार 15वें हैं। वेंकैया नायडू 13वें हैं और रामनाथ कोविंद 14वें हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी की सूची के 3 चरणों में अंतिम स्थान पाने वाले शहर का तिरुवनंतपुरम केरला गंगटोक, तिरुवनंतपुरम केरला में एवं गंगटोक। ठीक है, और स्मार्ट सिटी सूची तीन में स्थान माने उत्तर प्रदेश के झांसी, इलाहाबाद और अलीगढ़। झांसी को 26वां, इलाहाबाद को 28वां और अलीगढ़ को 30वां स्थान मिला। तीन सूची, तीन लोग इसमें पाए गए। ठीक है, जून वाले जरूरत नहीं पड़ने की, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। किसान संपदा योजना का शुभारंभ, ये इम्पोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय चावल संधान IRI का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय स्थापित किया वाराणसी में। ठीक है, उड़ान क्या क्या मतलब, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक शिमला हवाई अड्डे से हुआ है आपका। जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान, भारत के सबसे लंबी सेतु भूपेन हजारिका सेतु ढोला सादिया 9.15 किलोमीटर है। निर्माण किया गया कहाँ, लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सहायक नदी पर। ठीक है, और लक्ष्य देखिए रखा गया, कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य 2018 तक, और टीवी को समाप्त करने का लक्ष्य 2025 तक, नवजात शिशु IMR 2019 में घटाकर करना लक्ष्य रखा है 28 तक। ठीक है, और इंडिया रैंकिंग सी स्थान पाने वाला उत्तर प्रदेश का शिक्षा संस्थान कौन सा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर 7वां स्थान है। देखिए यहाँ पर आपका ये आपका लगभग लगभग मैंने जो है 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग इसमें ख़त्म कर दिए हैं मैंने आपको। अभी कई पार्ट आएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता। करंट अफेयर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन आप मान के चले कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आजकल जो है करंट अफेयर्स का हो गया है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।